मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है आज। देखो जी, मैं कत्ते तड़प रहा था, आ देखो सबने बुला लिया मुझे मिलने के लिए। राधे जी, मैंने बड़ी जरूरी गल करनी। राधे जी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। मना पैर कर दिखाओगे? जरूर। अरे यार, क्यों? क्या पता ये पल फिर ना मिले। मावली बात नहीं करते हैं। मैं अभी आई। इंतहा हो गई इंतजार की, और आई ना कोई खबर मेरे यार की। कहाँ रहेगी छुरी? सुंदर लग रही हो। इतनी सुंदर तो ना मैंने आज तक कोई देखी भी नहीं है, और ना मैंने देखना है। बस न्यू ही मेरे सामने खड़ी रहो, और मैं तना निहारता रहूं उमर भर। तेरे हर अंदाज ने, तेरे हर रूप ने एक रूप और भी है राधे जी। एक और रूप? अरे वह रूप तो यार उतना भी ज्यादा खूबसूरत हो गए, और उसे देख के तो मैं मर ही जाऊंगा यार। राधे जी, मरने की बात ना करो राधे जी। फिर कौन सी बात करूं छोरी? वो बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और वो भी 12 बजे से पहले। 12 तो बजने वाले हैं। जो कहना कह दो, मैं सुन रहा हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ राधे जी कि 12 बजे से पहले सब कुछ कह दूँ, क्योंकि 12 बजते ही शायद हमारे प्यार में फर्क आ जाए। अरे ना को मिला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मैं तुम तो बहुत प्यार करूँ, तेरी कोई भी बात कैसा भी रूप मेरे इस प्यार ने नहीं बदल सके। बेशक कसम ले लो, यो के मजाक को मिला? यही मेरा असली रूप है। देखो, इतना भी मजाक अच्छा नहीं होता। ना मैं मजाक कर रही हूँ, ना ही आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? Thank you.
अभी भी आपको विश्वास नहीं हुआ ना राधे जी? रुकिए, कोमिला, कोमिला कहाँ जा रही हो? और क्या करने वाली हो? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा असली रूप क्या है। मेरी बात सुन, अरे बैठ के बात करेंगे यार। कोमिला, कोमिला, कहाँ हो तुम? अरे जवाब दो, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ राधे जी। आप समझे राधे जी, मैं इंसान नहीं हूं, मैं भूत हूं। वो भूत जो रात 12 बजते ही इस रूप में आ जाते हैं। जरूर कोई सपना था। सपना? हाँ छोटे, जो मैंने कल देखा। क्या देखा आपने सपने में? अरे तुम्ही को तो देखा था मैंने सपने में। बड़ी अजीब सी लग रही थी तुम सपने में। जो आपने देखा वो सपना नहीं था राधे जी, वही मेरी सच्चाई। अरे झूठ बोल रही हो तुम, तुम भूत हो ही नहीं सको। और एक सच्चाई और भी है, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। उस दिन से, जिस दिन से मैंने आपको पहली बार देखा था। और उस दिन से आज तक मैंने हमेशा आपको चाहा है, और यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। राधे भैया, ये बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही है। और इसका मतलब तुम दोनों ने भी पता था? हाँ राधे भैया, हमें कल ही पता चला। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आपको ये सब बता पाए। वो तो कोमिला की हिम्मत थी जो उसने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। राधे भैया, अब आप कोमिला की सारी सच्चाई जानते हैं। अब आप कोमिला को अपनाना चाहते हैं या ठुकराना, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कोमिला। तुम्हारी कोई भी बात, तुम्हारा कोई सा भी रूप मेरे प्यार को नहीं बदल सकता। यही कहा था ना कल रात आपने राधे जी। अब बताइए, क्या अब भी आपका प्यार नहीं बदला? क्या अब भी आप अपनाएंगे मुझे? बोलिए राधे जी।
बात नहीं राधे जी, कोई बात नहीं। जो बात आपकी जुबान नहीं कह पाई वो आपकी खामोशी ने कह दिया। मैं आपके लिए कोई अड़चन नहीं पैदा करूंगी, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं कभी आपके साथ आपके रास्ते में नहीं। राधे भैया, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपने जो फैसला लिया है वो गलत है, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि कोमिला भी गलत नहीं है। जितना प्यार वो आपको करती है, दुनिया की कोई लड़की इतना प्यार नहीं कर सकती आपसे। कितनी बार समझाया तेने कि सच ना बोली, पर तू जाके राधे नु ही सब कुछ बता दी। सब खराब कर दिया कुड़िया, सब खराब कर दिया। बीजी मैनु माफ कर दो बीजी, की करा, नसीब ही खराब है। मैं भी कैसी बेटी हूं ना, अपने बीजी बाऊजी के मुक्ति का दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर दिया। लेकिन बीजी तुसे बताओ, जिंदगी भर की शादी की रिश्ते की नींव अगर मैं झूठ पे रखती तो वो टिकती क्या? एक पल में टूट जाना था। बिल्कुल सही कहा तुमने कोमिला, जिंदगी भर की शादी की नींव झूठ के बुनियाद पे नहीं टिकती। तुमने एकदम सही किया, डोंट वरी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और जो राधे ने किया वो भी सही किया है ना, तो क्या हुआ अगर ये शादी टूट गई? डोंट वरी, कोई और मिल जाएगा तुम्हें, प्रॉमिस। कमला पुत्र, और दिल छोटा नहीं करते बच्चे। और ये रिश्ता टूटा है ना तो कोई गल नहीं, और तुझे इससे चंगा मुंडा मिल जाएगा, जिस तरह तू हैगी है ना इसी रूप के साथ अपनाएगा। और कल सुन, जहां तक तेरे मां बाऊजी का सवाल है ना, वह इतने बरस हमने सह लिए, अब और बीत जाएंगे। और पंजाबी भूत है, बोर सहने की आदत है हमें। हा? बाबूजी, चंगा मुंडा तो मिल जाएगा, पर मेरा प्यार बाबूजी, मैं राधे जी के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। किरण जी, दीपक जी, चलो एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं। प्यार भी एक ही बार होता है, और वो प्यार मुझे तुमसे हुआ है कोमिला, तुमसे हुआ है कोमिला। छोरी मना तेरे तक कही ही ना, मेरा प्यार तेरे लिए कभी नहीं बदल सके। अरे मैं आप भी तो उतना ही प्यार करूं हूं जितना हमेशा तक करता है। आजा।
यही बात पहले नहीं कह सकते थे? छोरी, इससे पहले मैं तेरी बात का जवाब देता, तू मेरी खामोशी ने ना समझ के चलती। इंदा मतलब है आप अभी भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं? छोरी, तू कहता पंडित अभी बुला के फेरे ले लूं? बात तो है तुझमें कुछ छोरी, अलग है सब तैयारी, जो भी है ब्याह तो मैं तीर्थ ही करूंगा। और हमारे राधे भैया सबसे ज्यादा अच्छे। सच राधे भैया, कमाल कर दिया। ऐसा मतबल है इन लोगों को पता है यू द नॉलेज अंग्रेजी में? आंटी जी, अंकल जी, प्लीज आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों का राज हमारे पास बिल्कुल सेफ है अंग्रेजी में। सच राधे भैया, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं। अब देखना ये नया साल आपके लिए ढेर सारी नई नई खुशियां लाएगा। कार्तिक, खुशियां तो आएंगी पर डरते डरते। कुमिला, तुम तो जानती हो कि मासा को कितनी नफरत है झूठ बोलने वालों से। अगर मासा को पता चल गया तो, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से तुमने राधे भैया को सब कुछ बताया है, पूरे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दो। हाँ कोमिला, तुझे अपनी सास को सब सच सच बता देना चाहिए, बाकी उनका फैसला है ना। वे कोमिला ने इस रूप में कति स्वीकार नहीं करेंगी। अरे जब इतना प्यार करने के बावजूद ये सच्चाई सुनकर मैं हिल गया तो उन पर क्या बीतेगी? आई थिंक राधे भैया आप ठीक कह रहे हैं, हमें किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, ताकि हंसी खुशी ये शादी तो हो जाए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। अब क्या आप देखते ही रहेंगे? सब ठीक हो गया ना? चलिए अब सामान उठाइए और अपने सास ससुर को वापस घर में लेके जाइए। अरे इस बुआ नु भी ले लो, इसको तो फैक्ट्री भी वापस नहीं लेगी, नॉन रिफंडेबल अंग्रेजी में। चल आदि, चंदन की तिल्लियां लेके आए ना? असली घी कहाँ है? अरे पूजा में नारियल भी लगेगा, श्रीफल के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। कैसी पूजा? गणेश जी की स्थापना की पूजा। हमारे यहाँ शादी से पहले इस पूजा का बहुत महत्व होता है, ताकि गणेश जी की कृपा से सब शुभ शुभ हो जाए। क्यों नहीं होगा? मैं तो कहती हूँ कि शादी का मंडप ना आप मंदिर में लगा लीजिए। भोलेनाथ की मूर्ति के सामने अगर मंडप लगेगा, वहाँ फेरे होंगे, वहीं कन्यादान होगा और वीर जी और प्रजाई कन्यादान करेंगे, तो डेफिनेटली सब शुभ शुभ तो होगा ही। कोई कोई बचा ले इस दीवानी से मैंने। आप लोगों को भी पता है कि मंदिर के आसपास जाने से भी हमारी क्या हालत होती है, और ये मंदिर के पास ही वो लगन मंडप बनाने की गल कर रही है कि है चली। ओए पुत्र जी, कुछ करो, हम तीनों को बचा लो, सेव द ट्रीज अंग्रेजी में। बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। क्यों बिंदनी जी? अम्मा सा, फिर तो ये लगन मंडप भोलेनाथ जी की मूर्ति के सामने ही लगेगा। Shiki